सुहाग डब्बू ने नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं और तमाम बड़ी भीड़ लेकर पहुँचे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या हुजूम लेकर पहुँचे हैं आज? आज तय हुआ था नॉमिनेशन करने का, तो हमारे तमाम, चूँकि हमारा शहरी क्षेत्र है पूरा, तो हमारे पूरे शहर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी, सहयोगी सब लोग आए हैं साथ में। उनका उत्साह है, उनको खुशी है और ये चुनाव आम जनता लड़ रही है जैसा आप देख रहे हैं बाहर। तो कांग्रेस क्या एकजुट है अब? पूरे कार्यकर्ता, संगठन, बड़े नेता, छोटे नेता, जितने भी हैं सारे लोग एकजुट हैं और सब लोग अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कितना मार्जिन, कितना करंट देख रहे हैं अपना कांग्रेस के पक्ष में? ये आने वाला समय बताएगा, अपने मुँह से बोलना अभी मुझे उचित नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चित्रकूट विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुभाष शर्मा डोली हैं। सर, आज आखिरी दिन आपने फॉर्म भरा, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है आपके पक्ष में? नहीं, फॉर्म तो पहले भर गए थे, आज वो बी फॉर्म बाद में आया था, तो वो बी फॉर्म जमा करने आए थे। पार्टी के जो अधिकृत ए फॉर्म और बी फॉर्म होता है, फॉर्म तो नामांकन पहले हो गया था। और चित्रकूट क्षेत्र पे लोगों में जबरदस्त उत्साह है बहुजन समाज पार्टी के प्रति, और उसका कारण जो दोनों दल हैं, दोनों दल द्वारा जो वहाँ पर लोगों के साथ और क्षेत्र की उपेक्षा की गई, लोगों के साथ भेदभाव किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारा विधायक नहीं जीताते हो तो हम क्यों काम करें, कांग्रेस के लोग कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्यों काम करें, कर नहीं पा रहे। ऐसा करके वो पूरे क्षेत्र में और छोटे छोटे जनहित के कामों के लिए लोगों को लटकाया, इसलिए दोनों के प्रति जबरदस्त आक्रोश है और उसका लाभ हमें मिल रहा है। क्या मार्जिन देख रहे हैं, क्योंकि बीएसपी से आप खड़े हुए हैं, भाजपा में आप रहे, तो लोगों का एक नैरेटिव भी फैला हुआ है कि आप बीएसपी से हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को उससे फ़ायदा मिल जाने वाला है, कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा, तो आप क्या मतलब किस क्या मार्जिन? अब देखिए हमारा बसपा का मूल वोट तो है ही, ठीक है, निश्चित रूप से कुछ और वोट हम समय हमारे साथ जुड़ रहा है और वोट कभी नाप के नहीं जुड़ता कि किसका कट रहा किसका कट रहा है, और दोनों दलों के वोट हमें मिल रहे हैं। दोनों दलों से जो प्रत्याशियों से असंतुष्ट लोग हैं वो अपने साथ आ रहे हैं, जो क्षेत्र में लोग इनकी निष्क्रियता, उदासीनता के कारण क्षेत्र के लोग जो नाराज थे वो सब बहुजन समाज पार्टी को एक वहाँ विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं रायगांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक कल्पना वर्मा। मैम, आज आपने फॉर्म आखिरी दिन भरा, क्या देख रही हैं? ठीक है सब, अभी तो सब लोग नामांकन ही दाखिल कर रहे हैं और आज चूँकि आखिरी दिन है तो सारे कैंडिडेट्स ही आ रहे हैं। क्या देख रही हैं चुनाव में, क्या माहौल है रायगांव विधानसभा में? सभी जगह कांग्रेस का माहौल है, रेगांव विधानसभा में भी कांग्रेस का माहौल है, और पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या मार्जिन देख रही हैं इस बार कांग्रेस का रेगांव विधानसभा, चूँकि प्रत्याशी हैं भाजपा से, आपके पास उपचुनाव जो लड़ चुकी हैं प्रतिमा बागरी हैं, रानी बागरी मैदान में आ गई हैं, तो कैसा मार्जिन देख रही हैं? कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और कांग्रेस का मार्जिन तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन विपक्ष में ना भाजपा है ना बहुजन है, कहीं कोई है ही नहीं। कांग्रेस अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है और अच्छे आगे मतों से आएगी।